नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। कोट द्वार से ट्रेन आ रही थी और उसी पटरी पर एक दोनों कानों में स्पीकर लगाए हुए लड़का चला आ रहा था। जैसे ही ट्रेन आई, लड़के को काफ़ी आवाज़ दी मगर उससे सुनाई नहीं दे रहा था। ट्रेन की चपेट में आ गया और घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका आप देख रहे हैं मोबाइल पड़ा हुआ है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ एकत्र है। उसको पहचानने की कोशिश की जा रही है मगर उसका चेहरा इतना बिगड़ गया कि उसको पहचानना मुश्किल हो गया है। काफ़ी संख्या में लोग एकत्र हैं, हर कोई यही चाह रहा है कि इसका पता चल जाए कहाँ का है। पुलिस घटनास्थल पर पहुँच चुकी है और उसके फोटो उठा रही है। आप देख रहे हैं नजीबाबाद के कोटद्वार फाटक के पास समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। लोगों ने काफ़ी जानने की कोशिश की, पहचानने की कोशिश की मगर उसका पता नहीं चल पाया। आपकी घटना अभी ट्रेन आई ना इधर से? हाँ, ट्रेन से वहाँ अभी अभी वहाँ पर कभी मिली ट्रेन भीड़ ना करो यहाँ दिख रही था, जूते उसके वहाँ पड़े हैं। बहुत पीछे का, बहुत पीछे का है। ट्रेन जो है कोटद्वार साइड से आ रही थी, इस लड़के के कान में एयरफोन थे, उसकी टक्कर लग के उसकी मृत्यु हो गई। ये लड़का किधर से आ रहा था? ये लड़का आपका जाप्तागंज की साइड से आ रहा था, जिधर से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन की फ्रंट साइड में फंसा है और मृतक पालमल कॉलोनी का रहने वाला है और नाम है अजान कुरैशी। बाप का नाम है सिद्दीक कुरैशी, जो पालमल कॉलोनी के हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और बारीकी से निरीक्षण कर रही है।